पीपल्स फोरम का 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल कश्मीर गया, वहां पर जाकर के हमने उनके जो इश्यूज है उसके ऊपर उनसे बातचीत की। और सबसे पहले हमारा जो इश्यू है वो ये है कि हमारी प्रीपेड सिम्स जो है 11 डेलीगेशन, जो 11 लोगों का डेलीगेशन था, एक को छोड़ करके जिनके पास में पोस्टपेड सिम थी, सबकी बंद हो गई। मुझे लगता है कि ये भारत के लोगों के साथ में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। भारत के लोग अगर जम्मू कश्मीर में आते हैं तो उनकी सिम बंद नहीं होनी चाहिए। और वो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कम से कम देशवासी जो आए भविष्य में वो कम्युनिकेट कर पाए, ये पहली बात है। मैं टिटवाल गया था और टिटवाल के अंदर भी हम लोगों ने इस बात को हमने देखा है कि वहां पर भी लोगों की इस तरीके का जो इंटरनेट के इश्यूज है वो सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है कि वो लोग इंटरनेट की सुविधा गांव के अंदर काम नहीं करती है, गांव के बाहर जाना पड़ता है। आज काफी ज्यादा सर्चेस होती हैं, इवन 2 किलोमीटर के ऊपर जाने के लिए एक कारपेंटर का या एक मजदूर का, तो उस तरीके के सर्चेस का जो है सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है। हर घर के अंदर 250 परिवार है और हर घर के अंदर 1-2-3 लोग जो है वो बेरोजगार है। वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है, जो लोग स्कूल जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के सब लोगों का सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू है कि यहाँ पर मनरेगा के पेमेंट्स जो है वो बहुत सारे अधूरे हैं। जो आंगनवाड़ी के जो महिलाएं हैं उनके ऑनरेरियम 6 से 7 महीने का जो है वो बकाया पड़ा हुआ है। पंचायत भवन बनके तैयार नहीं है, जहां पर तैयार है वहां पर कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं हुए हैं। जो ऑनलाइन दिखलाई पड़ता है पूरे देश के अंदर मनरेगा का, जो पूरा क्या क्या काम हुआ, कहाँ काम हुआ, वो सब वहां पर दिखलाई नहीं पड़ता है। तो तमाम सारे सवाल है। जम्मू कश्मीर के जो सरपंच थे उनसे कहा गया था कि 15,000 रुपया उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा, 5,000 रुपया जो उनके दिया जाएगा पंचों को दिया जाएगा, लेकिन उनको केवल अभी 3,000 रुपया सरपंच को और 1,000 रुपया पंच को मिल रहा है। वो जितने भी सबसे मेरी मुलाकात हुई सब चाहते हैं कि जो वायदा किया गया था उस वायदे को पूरा किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर्ड है और वो चाहते हैं कि अपना जीवन जब दांव पर लगा रहे हैं एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बनाने के लिए, पंचायत राज को सफल बनाने के लिए, तो कम से कम जो वायदे सरकार ने किए थे सरकार